तो भाई लोग फाइनली इंडिया के अंदर Xiaomi का HyperOS अपडेट एक और डिवाइस के लिए रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। और ये जो डिवाइस है ना Poco का X सीरीज का स्मार्टफोन है, Poco X4 Pro 5G। अगर आप लोग इंडिया के अंदर Poco का X4 Pro 5G डिवाइस को यूज कर रहे हो ना, तो फाइनली इस डिवाइस के लिए Xiaomi का HyperOS 1.0.2.0 TKCINXM न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट को यहाँ पे रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। लेटेस्ट मंथ का अपडेट है। साइज यहाँ पे 334 MB है, नॉर्मल सा साइज है। आप लोग बड़ी आसानी से इस अपडेट को अपने मोबाइल डाटा से इंस्टॉल कर पाएंगे। वैसे देखो यहाँ पर कितने सारे यूजर्स के डिवाइस में अपडेट देखने को मिल गया है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये अपडेट देखने को नहीं मिला है तो कैसे देखने को मिलेगा वो मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा। और ये वीडियो पसंद आ रही है तो यहाँ पर एक लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस के सिस्टम में ऑप्टिमाइजेशन में न्यू स्टार्टअप एनिमेशन स्ट्रेटजी रिड्यूस ऐप लॉन्च डिलेस, एंड यहाँ पर देखो अपडेटेड दी सिस्टम सिक्योरिटी पैच टू जुलाई 2024 इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। यहाँ पर भाई जुलाई 2024 के मंथ का सिस्टम सिक्योरिटी पैच अपडेट को प्रोवाइड किया गया है। ये मुझे थोड़ा सा डाउनसाइड लगा, अगर हमें लेटेस्ट मंथ का सिस्टम सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाता अगस्त 2024 के मंथ का तो काफी ज्यादा बढ़िया होता यूजर्स के लिए। बट आपको यहाँ पे जुलाई 2024 के मंथ का सिस्टम सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर डिवाइस के सिस्टम परफॉर्मेंस को भी बूस्ट किया गया है, तो आपको यहाँ पर डेली टास्क में, मल्टीटास्किंग में, गेमिंग में, एप्स ओपन क्लोज में काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर डिवाइस में दिनों जो भी बग्स वगैरह देखने को मिल रहे थे ना, तो उन सारे बग्स को भी इस अपडेट के बाद फाइनली फिक्स्ड कर दिया गया है। बाकी यूजर्स, अगर आपके डिवाइस में अपडेट शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। देखिए सिंपली आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है, 3 to 4 days का आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों उससे पहले आपको सिंपली अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में चले जाना है, एंड आपके डिवाइस में अभी जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा ना उसमें अपने डिवाइस को अपडेट कर लेना, ठीक है। देन इसके बाद ही आपको आपके डिवाइस में लेटेस्ट मंथ का अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे और कोई फीचर्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल सा अपडेट था 334 MB का था। तो जो भी सारे फीचर्स वगैरह थे ना मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया हूँ, एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है, तो यहाँ पर एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग यहाँ पर एक लाइक कर सकते हो। बाकी दोस्तों मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।